भाई सबसे पहले दोस्तों आपको ये चेक करना है कि भाई आपका दोस्तों यहाँ पर सिविल स्कोर अच्छा है या फिर दोस्तों आपका यहाँ पर सिविल स्कोर कम है। अगर भाई दोस्तों आपका सिविल स्कोर कम है तो दोस्तों आपकी ये जो आज की वीडियो होने वाली है और भाई जो आज की एप्लीकेशन होने वाली है ये दोस्तों सिर्फ आपके ही लिए होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इस लोन एप्लीकेंट से अगर भाई आपका लो भी सिविल स्कोर है यहाँ पर दोस्तों आपको इस लोन लिमिट से दोस्तों आपको यहाँ पर लिमिट मिलने वाली है इस लोन एप्लीकेशन से। भाई लोन एप्लीकेशन बिल्कुल एकदम जेन्युइन होने वाली है, एकदम दोस्तों यहाँ पर ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन होने वाली है। इसमें दोस्तों आप ऊपर की साइड में यहाँ पर आप देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर लाइव प्रूफ बिल्कुल करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर भाई मेरे पास में 1 लाख रुपए की लिमिट इस लोन एप्लीकेशन से अपलोड हो चुकी है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो भाई मेरे पास में यहाँ पर मेरी जो भाई यहाँ पर लिमिट अप्रूव हुई है वो भाई यहाँ पर 1 लाख रुपए की हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 12 महीनों के लिए दोस्तों मेरे को यहाँ पर टर्नओवर देखने को मिल चुका है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 9,289 रुपए की मेरी यहाँ पर EMI होने वाली है पर मंथ। 12 महीनों के लिए दोस्तों मेरे को यहाँ पर रिपेमेंट करने का मेरे पास में यहाँ पर टाइम मिल चुका है। यहाँ पर नीचे की साइड में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फिनिश लोन एप्लीकेशन का मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद में दोस्तों मेरे को यहाँ पर KYC करवानी पड़ेगी, वो भाई मैं अभी दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल लाइव प्रूफ आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, कैसे दोस्तों आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, कहाँ पर दोस्तों आपको एप्लीकेशन की लिंक मिलने वाली है, पूरी डिटेल दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना है। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और भाई दोस्तों साथ ही साथ अगर भाई अभी तक भी आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर होता क्या है कि भाई आपको लोन एप्लीकेशन लिंक डायरेक्टली आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। भाई देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन को ही ओपन कर लिया है। अबाउट सेक्शन मैंने आपको यहाँ पर आज की वीडियो में आपको यहाँ पर चेकआउट करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर वीडियो लंबी हो सकती है। अबाउट सेक्शन दोस्तों आप एक बार यहाँ पर खुद से यहाँ पर चेकआउट कर लेना। सबसे पहले जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे दोस्तों आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके पास में यहाँ पर भाषाएं आ जाएंगी। आपको दोस्तों यहाँ पर चूज करना है कि भाई आप किस भाषा में इस लोन एप्लीकेशन से लिमिट लेना चाहते हो। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर इंग्लिश पर चूज करने वाला हूँ। यहाँ पर करने के बाद में ओके पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे भी आप क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम में जैसे ही आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाता है दोस्तों ये लोन एप्लीकेशन आपको पहले ही बता देती है कि भी आपकी जो EMI होने वाली है वो कितने रुपए की होने वाली है। मान लेते हैं कि भी आपको यहाँ पर 20,000 रुपए की लिमिट मिल जाती है और भाई उसको आप 9 महीने के लिए रखना चाहते हो तो भाई दोस्तों यहाँ पर आपके यहाँ पर 2,428 रुपए की आपकी यहाँ पर EMI होने वाली है। सपोज दैट अगर भाई मेरे को यहाँ पर लिमिट बढ़ानी है, अगर मेरे को यहाँ पर बढ़ी हुई लिमिट मिल जाती है यहाँ पर दोस्तों 61,000 रुपए की अगर भाई आपको यहाँ पर लिमिट मिल जाती है 9 महीनों का टर्नओवर रखते हो तो भाई यहाँ पर 7,405 रुपए की आपकी यहाँ पर EMI होने वाली है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए की जैसे कि मेरे केस में मेरे को यहाँ पर मिली हुई है, जैसे कि यहाँ पर 97,000 रुपए की मेरे को यहाँ पर लिमिट मिल चुकी है सपोज दैट, और भाई यहाँ पर जो मेरी यहाँ पर जो टर्नओवर रखा है वो 12 महीनों के लिए रख लिया है, उसके बाद में 9,065 रुपए की आपकी यहाँ पर EMI होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपल से 3 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। बेसिक से यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी आपकी ID होगी वो अपलोड करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 1 लाख रुपए का आपको यहाँ पर अपलोड मिल जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको यहाँ पर अपलोड लेके दिखाने वाला हूँ आपके सामने बिल्कुल लाइव प्रूफ। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर नीचे की साइड में आप यहाँ पर देख पा रहे हो प्रोशीट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन काफ़ी सारे यहाँ पर लैंडिंग पार्टनर होने वाले हैं। अप्लाई नाउ पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों आपके पास में परमिशंस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और भी ओके आई अंडरस्टैंड पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो सबसे पहले फर्स्ट टाइम में दोस्तों आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है रजिस्टर्ड जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है आधार कार्ड में वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिलअप करना है। यहाँ पर फिलअप करने के बाद में यहाँ पर गेट OTP पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे भी आप ये काम करते हो मेरे पास में ऐसा इंटरफेस आ चुका है। आपके पास में दोस्तों यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऑलरेडी आपका नाम, आपका पैन कार्ड नंबर, आपकी यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है वो दोस्तों आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होती है जब भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन में अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास में 2 ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर सैलरी का ऑप्शन शो हो रहा है और भाई यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय पर आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है।
यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर और यहाँ पर दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय पर आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में प्रोसीड पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे भी आप क्लिक करोगे आपके पास आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप यहाँ पर किस आपकी जो यहाँ पर इनकम होती है वो आप बैंक में लेते हो या फिर कैश आती है या फिर आप यहाँ पर कैश में भी ले लेते हो बैंक में भी लेते हो, आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि मैं यहाँ पर बैंक में लेता हूँ, उसके बाद में कि आपके इन हैंड में आपके हाथ में कितने रुपये आपको मिल जाते हैं। मेरे केस में जैसे कि यहाँ पर मैंने 35,000 रुपये कर दिए हैं। आपको दोस्तों क्या करना है कि भाई 25,000 से प्लस ही आपको यहाँ पर डालने हैं। मेरे केस में जैसे कि मैंने यहाँ पर 35,000 रुपये डाल दिए हैं। उसके बाद में प्रोसीड पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका यहाँ पर नेम हो चुका है, डेट ऑफ बर्थ और भाई उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर किस पर्पज़ के लिए आप लोन लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 7 महीने से लेकर 2 साल तक मैं इसको लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। उसके बाद में जो भी आपका पिन कोड होता है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। डालने के बाद में दोस्तों आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आप यहाँ पर मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो वो सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर भाई आपके पास में लोन चल रहा है तो भाई आपको यस करना है, अगर भाई नहीं चल रहा है तो भाई आप नो पर क्लिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दी है। कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर पर्पस बताना पड़ेगा लोन का, किस पर्पस के लिए लोन आप यहाँ पर लेना चाहते हो। मेरे केस में जैसा कि मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ मैनेज वेडिंग एक्सपेंसिव, ठीक है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में डन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में क्लिक करने के बाद में आपके पास में यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। वेट करने के बाद में आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया, ऊपर की साइड में मेरा यहाँ पर नाम देख लीजिए, 1,00,000 रुपए की लिमिट मेरे को यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे की साइड में आप सभी देख पा रहे होंगे, नीचे की साइड में लिखा हुआ है फिनिश लोन एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाता है। आपको दोस्तों यहाँ पर बिजनेस बताना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ पर क्या करते हो, आपकी जो शॉप का नेम होता है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, कुछ भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप डालना है, आप ओनर हो या फिर पार्ट टाइम करते हो या फिर आप अदर हो, तो भाई मैंने यहाँ पर ओनर पर क्लिक कर दिया है। भाई अगर भाई आपके पास में है तो आप यस कर दीजिए, अगर भाई आपके पास में नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करंट एड्रेस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी फिलअप करनी है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर अपनी मैंने यहाँ पर सेल्फी कर दी है अपलोड, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद में पैन कार्ड अपलोड करना है, पैन कार्ड मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करने के बाद में आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर कंप्लीट करना है, उसके बाद में यस पर क्लिक कर देना है। मेरे केस में जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा एड्रेस इसका यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट करने के बाद में यस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों नीचे की साइड में यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, नीचे की साइड में चेक क्रेडिट स्कोर, इस पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक काम करना है भाई, आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरे से इस लोन एप्लीकेशन में एक गलती हो चुकी है, वो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। भाई मैंने इस लोन एप्लीकेशन में अप्लाई कर रहा था तो भाई मेरा यहाँ पर नेट वगैरह कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से मेरे को यहाँ पर इस लोन एप्लीकेशन से बैक जाना पड़ा, जिसकी वजह से दोस्तों ये लोन एप्लीकेशन मेरे को यहाँ पर अभी रिजेक्ट कर चुकी है। अगर भाई इस लोन एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर एक ही बार में अप्लाई कर सकते हो, अगर भाई आप एक बार में अप्लाई कर देते हो तो भाई आपको लिमिट मिल जाएगी 100%। अगर भाई दोस्तों आप यहाँ पर एक बार में चूक जाते हो तो भाई उसके बाद में दोस्तों आपको रीअप्लाई करने के लिए 60 दिन का दोस्तों आपके पास में यहाँ पर समय रहता है। 60 दिन के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। मेरे केस में मेरे पास में यहाँ पर ऐसा हो चुका है मेरे साथ में, जैसा कि मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, प्लीज़ वेट 16 डेज बिफोर अप्लाइंग फॉर ए न्यू लोन। भाई मैं अभी बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकता हूँ 60 दिन के लिए। भाई इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत ही रिग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सोचा कि दोबारा से मैं अप्लाई कर लूँगा, दोबारा से अप्लाई करने के मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ पा रहा है। भाई यहाँ पर दोस्तों आपको ये बिल्कुल भी ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, एक बार में एक ही बार अप्लाई करना है और भाई एक बार में दोस्तों आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। लोन का जो एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम होने वाला है, नीरा इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम होने वाला है। 1 करोड़ से प्लस दोस्तों इसके यहाँ पर डाउनलोड होने वाला है, ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
एक बार दोस्तों इसमें अप्लाई करके आप जरूर देखिए। लिंक भाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जाके दोस्तों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और भाई वहाँ पर दोस्तों आपको रेफर कोड भी मिल जाएगा, जाके दोस्तों रेफर कोड को आप यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिए। होता यह है दोस्तों आपको यहाँ पर लिमिट मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मैंने एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए।